Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now exercise 12.2, question number 1. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has DCB is equal to 90 degree, angle DCB equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? एक ABCD quadrilateral given है हमें, उसमें एक angle 90 degree का है and बाकी हमें कुछ sides given है. So हमें उसका area निकालना है. Let us see how. First of all, जो quadrilateral given है हमें, उसके अंदर एक triangle है, that is triangle BCD, जो कि right angle triangle है, क्योंकि एक angle उसमें 90 degree का given है, so it is a right angle triangle and it is right angled at C. And आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो उसका एरिया होता है, इट इज नॉट फाउंड आउट बाय द रोन्स फॉर्मूला. सो उसमें अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे, BD इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, सॉरी द साइड BD इज इक्वल टू दिस, एंड अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद वी गेट 13 मीटर एज BD. सो अब एरिया ऑफ ABCD जो पूरा क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें वो डिवाइडेड है. फाइन, क्योंकि जो डायगनल है उसका, उसने उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, दैट इज ABD एंड BCD. तो दोनों के एरिया अगर हम अलग अलग फाइंड आउट कर लें तो दोनों को ऐड कर दें, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. वी पुट इट एज इक्वेशन 1 एंड एरिया ऑफ ABCD ट्राइंगल है, इट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 15. फाइन, सो 30 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया. अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABD, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो व्हाट वी विल डू, हम इसमें सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सो वी हैव 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू 15 मीटर, एंड हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13. फर्दर सॉल्व करने के बाद वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, एंड सॉल्व करने के बाद we will get 6 root 35 meter square as the area of the second triangle. अब पूरे उसका एरिया अगर हम निकालेंगे, so we will get the area of the whole quadrilateral, that is ABCD, by adding both the areas that we have got. अब जो second area हमारे पास आया, it is 35.5 meter square approximately. So इसमें अगर हम ऊपर वाला जो area है, first triangle का area जो हमने निकाला था 30, that is, उसको add कर देंगे, so we'll get 65.5 meter square approximate area of the quadrilateral, that is ABCD.